केस आए थे वो थे 38,055। और अगर आज के दिन हम देखें तो आज 9,000 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, यानी इतनी गिरावट आई है। प्रदेश के अंदर जब पॉजिटिविटी अधिक थी, रिकवरी कम थी, तो एक्टिव केस बढ़े। 30 अप्रैल को 3,10,000 एक्टिव केस प्रदेश में थे और आज 1,49,000 मात्र है, यानी 1,61,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 16 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके पीछे हम लोगों ने टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट को लेकर के अर्ली एंड एग्रेसिव जो कंपेन प्रारंभ किया, उसके रिजल्ट सामने आए हैं। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश कर चुका है और लगातार यह अभियान चल रहा है। आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे कि गांव इससे सर्वाधिक इन्फेक्ट होंगे। 5 मई से हमारी टीम, निगरानी समिति की टीम, घर घर स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। जो भी लक्षण युक्त या संदिग्ध मामले पाए जाते हैं उनको मेडिकल किट का वितरण करना, उनको होम आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजने के लिए सूची तैयार करना, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम जाकर के वहां पर ऐसे सभी लोगों की जांच करती है और फिर इसके बारे में होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डेली कंसल्टेशन की सुविधा, या कोई व्यक्ति हालत किसी की गंभीर हुई है तो उसे हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बृहद स्तर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है, नीति आयोग ने सराहना की है और ये कार्यक्रम लगातार देश के अंदर भी, अब नीति आयोग ने भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अन्य राज्यों को भी कहा है कि जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर चला है इसको अन्य राज्य भी एडॉप्ट करें, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का वही एकमात्र माध्यम है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 मई से ही शुरू कर दिया है। प्रदेश में फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें उतनी नहीं थी। लेवल 1 फैसिलिटी के हमारे पास 1,16,000 बेड्स थे, लेवल 2 के 23,000 बेड्स थे, उसमें हमारा काम चल गया था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आवश्यकता भी महसूस हुई, तेजी के साथ एक कार्य प्रारंभ हुआ और आज यानी इस दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन, भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलानी पड़ी, वायुसेना के विमानों के माध्यम से टैंकर भेज करके हम लोगों को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करते हुए हर जनपद को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग करना पड़ा। लेकिन हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके इसके लिए हम लोगों ने एक व्यापक रणनीति बनाई है और व्यापक रणनीति के तहत 300 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें पीएम केयर से, सीएम केयर से, केयर फंड से और इसके साथ ही गन्ना विभाग हर जनपद में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सीएसआर के मद से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। आपके अकेले सहारनपुर जनपद में 11 नए ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ के लिए प्रस्तावित हैं, जो यहाँ को, जो इस जनपद को ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर बनाने में जिनकी एक बड़ी भूमिका आने वाले समय में हो सकती है। प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 1.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। 45 से ऊपर की आयु के सभी लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही है और 18 से 44 के बीच का जो आयु वर्ग है इनको राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। अगर मैं सहारनपुर के अंदर देखूं
तो सहारनपुर मंडल में 5,49,132 लोगों को, 45 से ऊपर के लोगों को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। और सहारनपुर मंडल में सहारनपुर जिले के अंदर 13,306 लोगों को, जो युवा हैं, उनको वैक्सीन अब तक हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। और वैक्सीनेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। हमें कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू, ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है, जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी है। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं, सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है, उद्योग हमारे सभी संचालित हैं, चीनी मिलें हमारी, जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। लोगों को परेशानी भी न हो लेकिन भीड़ भी न हो, कोरोना के संक्रमण की चेन को हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था, लेकिन किसी के सामने भूखमरी की समस्या पैदा ना हो। राज्य सरकार ने कम्युनिटी किचन हर जनपद में प्रारंभ करने के पहले से निर्देश दिए हैं। ज्यादातर जनपद कम्युनिटी किचन अपने यहां प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हर जरूरतमंद को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। सरकारी हॉस्पिटल में हर एक व्यक्ति को मुफ्त में उपचार की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन साथ साथ जो दैनिक काम करने वाले मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाई है, नाविक है, मोची है, धोबी है, अपना डेली का काम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार ने प्रदेश के अंदर जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक निशुल्क खाद्यान्न इन सभी लोगों को, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति दी है। और जिन भी लोगों का, जो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, कुली हैं, पल्लेदार हैं, इन सभी लोगों को 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत इसी माह से खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने की व्यवस्था भी प्रारंभ हुई है, जिसमें हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध होगा और ये कार्रवाई प्रदेश के अंदर 20 मई से प्रारंभ होने जा रही है। सरकार हर एक व्यक्ति का ध्यान रखने का प्रयास कर रही है, हर एक को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध दिलाने का कार्य कर रही है। हमें इस बात को समझना होगा, ये महामारी है और इसमें बचाव सर्वोत्तम उपाय है। हम लापरवाही नहीं कर सकते और किसी को लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए जागरूकता के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव का हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, थर्ड वेव के लिए भी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि थर्ड वेव में बच्चे इसके शिकार ज्यादा हो सकते हैं, अभी से हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज में 100 बेड इसके लिए तैयार हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में हम लोगों ने 25 बेड आईसीयू के अलग से तैयार करने के लिए कहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ सीएससी को इसके लिए तैयार करने के लिए कहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन की कार्रवाई को अब आगे बढ़ा सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर में दिव्यांगजन या गांव के लोगों की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होने जा रही है। और फिर वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर, जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कोविड टेस्ट की तर्ज पर, इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग करने का निर्णय ले चुके हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन और सहयोग प्रदेश को निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी प्रशासनिक टीम युद्ध स्तर पर लगी है, स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स भी पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है, पब्लिक अवेयरनेस में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है,
हम लोग जागरूकता पैदा करने में लोगों की बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। जो एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है, खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और अन्य दृष्टि भी, जो भी पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब के उपचार के लिए हर जिले में एक एक हॉस्पिटल पोस्ट कोविड वार्ड के रूप में भी बना करके उन लोगों को उपचार की सुविधा वहां निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि जो हम पहली वेव से कह रहे हैं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकले, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, अगर ये चीजें सावधानी हर व्यक्ति बरत ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। हम लोगों को बताने की आवश्यकता है, हाई रिस्क कैटेगरी में 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटे के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज करें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना और जब आवश्यक हो तभी निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन भी करें, ये उनके स्वयं के बचाव के लिए आवश्यक है। अगर इन चीजों का हम व्यापक प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकें, जागरूक कर सकें और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कोविड के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार का जो अभियान है वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा विश्वास है हम सभी के सहयोग से बहुत शीघ्र सेकेंड वेव पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।